आज आपको बताने वाला हूँ पाइवट टेबल के अंदर आप कैसे अपने डेटा को एनालाइज करेंगे और कैसे उसको और डेटा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इलेबोरेट कर सकते हैं अपने डेटा को इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। चलते हैं एक डेटा की तरफ। मुझे एक शीट दी हुई है, बेसिकली किसी पार्टी की जीएसटी की डिटेल है, एक किसी पार्टी की सेल्स डिटेल है, बेसिकली जीएसटी डिटेल नहीं है, जिसके अंदर सारी उसकी इनवॉइस नंबर और उसके टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी एंड टोटल अमाउंट मेरे को दिया हुआ है। मुझे फिगर आउट क्या करना है, मुझे इसमें से कई सारी चीजें मैं फिगर आउट करना चाहता हूँ। मुझे एक तो फिगर आउट करना है कि कितना परसेंटेज ऑफ सेल मैंने किस मंथ में करा है, देन मुझे फिगर आउट करना है कितना परसेंटेज ऑफ सेल मैंने डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को करा है, सो दैट मैं फोकस कर पाऊँ कि कौन सी पार्टी को मुझे ज्यादा फोकस करना है और कौन सी पार्टी को थोड़ा सा लूज छोड़ना है। एंड उसके बाद मुझे जीएसटी की कंप्यूटेशन भी करनी है कि किस मंथ में कितनी जीएसटी थी। अब नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि जो डेटा है 3 ईयर्स का डेटा मेरे पास अवेलेबल है, मुझे ये चाहिए कि मेरा लास्ट मंथ में फाइनेंशियल 19-20 जो चल रहा है उसमें लास्ट मंथ में कितनी मेरी सेल्स थी, कितना उसका जीएसटी आया था, मुझे वो निकालना है। इतने सारे एनालिसिस करने में फिल्टर लगा के कर सकता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है फिल्टर लगा के मैं उसको एक बार तो एनालाइज कर लूंगा फिर मुझे दोबारा चेंज करना पड़ेगा, तो बार बार उस फिल्टर को चेंज करने से अच्छा है मैं एक पाइवट टेबल बनाता हूँ और उसमें अपने डेटा को एनालाइज करता हूँ। करना है क्या है आपको पाइवट टेबल के लिए, सबसे पहले तो इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे गए हम एंड पाइवट टेबल, ये जो ऑप्शन आ रहा है पाइवट टेबल पे करना है क्लिक एंड हियर वी गो। पाइवट टेबल पे आप डेटा इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया, सबसे पहले हमको डेटा सेलेक्ट करना होता है, तो मैं डेटा सेलेक्ट करूंगा, मेरा ये पूरा डेटा है मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन उसको कहाँ पर मुझे पाइवट टेबल बनानी है, मुझे न्यू वर्कबुक में नहीं बनानी है, मुझे एग्जिस्टिंग वर्कबुक में बनानी है, तो मैं पाइवट टेबल इस वाली शीट में बनानी है और मैं उस सेल को सेलेक्ट कर देता हूँ जहां पर मुझे वो पाइवट टेबल चाहिए। तो ठीक है यहाँ पे चाहिए, इसको करते हैं ओके एंड माय पाइवट टेबल इज रेडी है। मुझे इसके डेटा के फील्ड्स बस लेके आने हैं एंड उसको एनालाइज करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या एनालाइज करना है, मुझे मंथली वाइज सेल चाहिए, मंथली वाइज सेल चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज मेरे पास डेटा है वो 3 फाइनेंशियल ईयर्स का। अगर मैं मंथली वाइज सीधा रो के अंदर मैं डेटा लेके आऊंगा मेरा मंथली वाइज तो आ जाएगा, बट वो 3 फाइनेंशियल ईयर का डेटा होगा, बट मुझे चाहिए एक एक फाइनेंशियल ईयर का। यानी मुझको एक ऐसा बड़ा सा फिल्टर देना पड़ेगा जहां से मैं अपने डेटा को फिल्टराइज कर सकूं इनटू 3 ईयर्स में। मैं क्या करता हूं, जो फाइनेंशियल ईयर्स वाला मेरा जो कॉलम है उसको मैं फिल्टर में डाल देता हूं। दैट मींस अब मैं जब सबसे पहले फिल्टर लगाऊंगा तो फाइनेंशियल ईयर में फिल्टर लगाऊंगा जिससे कि मेरा डेटा उस रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर का ही आएगा। सेकेंड चीज मुझे क्या करनी है, नाउ रो एंड कॉलम एंड वैल्यूज में मुझे वो चीज डालनी है जो चीज मुझे एडिशन डिलीशन परसेंटेज जो मुझे कैलकुलेशंस वाला पार्ट होता है वो वैल्यूज के अंदर जाता है। रो के अंदर उसकी रिस्पेक्टिव जो रोज होती हैं, सपोज मैं बताता हूँ, जैसे मुझे मंथली डेटा चाहिए, मैं मंथ को डालूंगा रो के अंदर, मेरे सारे मंथ्स आ जाएंगे, परफेक्ट। अब मंथ के अंदर भी मुझे चाहिए कि वो कौन कौन सी पार्टी को मैंने सेल करी है, तो मैं पार्टी का नाम जो है वो मंथ के नीचे डालूंगा। ध्यान रखना है मंथ के नीचे डालना, तभी वो मंथ के नीचे आएगी वो वाली वैल्यूज। Now, उसके बाद मुझे चाहिए कि पार्टीज के मेरे को और आगे जाना है, तो पार्टीज का मैंने पार्टी का नाम आ गया, पार्टी के नाम के बाद मुझे चाहिए कि पार्टी का इनवॉइस नंबर क्या था, मैं इनवॉइस नंबर को भी रो में डालूंगा पार्टी के नीचे। इससे मेरे पास क्या डेटा आ पाया, डेटा मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखूं, सबसे पहले मेरा फाइनेंशियल ईयर का फिल्टर लग के आ रहा है, उसके बाद मेरी जो रोज में मैंने डेटा डाला है, मेरी रोज में डेटा आ रहा है, सबसे पहले तो मंथ का डेटा आ रहा है, कौन कौन से मंथ का है, मंथ के बाद जो दूसरा डेटा है वो मेरा आ रहा है पार्टी का नाम, किस पार्टी को मैंने सेल किया, एंड जो मेरा लास्ट डेटा है वो है किस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट वो डेटा है। अब ये तो मेरे फील्ड्स आ गए, बट इसके अंदर वैल्यूज भी चाहिए मेरे को, मेरे को चाहिए कितना सेल्स है, कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, कितना जीएसटी है, वो भी चाहिए मेरे को। वो वाली वैल्यूज जो है वो मैं पुट करूंगा इनटू द वैल्यूज वाले बॉक्स में, तो मैं जो टैक्सेबल वैल्यूज है टैक्सेबल वैल्यूज को डालूंगा अपने वैल्यू वाले बॉक्स में, आईजीएसटी को डालूंगा वैल्यू वाले बॉक्स में, सेम सीजीएसटी, देन एसजीएसटी एंड टोटल। डेटा को उसी वे में अरेंज करना है हमको, तो उसी वे में हमको इसके अंदर पुट करना है वैल्यूज वाले बॉक्स के अंदर। सबसे पहले हमने टैक्सेबल वैल्यू डाली, फिर आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी एंड देन सम ऑफ टोटल। बट द प्रॉब्लम इज कि ये हमारा काउंट शो कर रहा है ऑटोमेटिकली, जो उसने फॉर्मूला पुट करा है वो काउंट का शो पुट करा है, खाली एक लास्ट वाले सम ऑफ टोटल को छोड़ के वहां पर इसने सम ले लिया, बाकी सब इसने काउंट का फॉर्मूला लिया। इसको चेंज कर देते हैं, करना क्या है क्लिक करना है उस पर, देन वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाना है हमको
एंड काउंट की जगह पर सेलेक्ट कर देना है सम। ऐसा ही सम में करना है क्योंकि हमको काउंट नहीं चाहिए, हमको चाहिए सेम। बाकी सेम आप देख सकते हैं, हम उसका एवरेज कर सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, उस डेटा का मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, काफी सारी हम चीजें निकाल सकते हैं। हमको चाहिए अभी फिलहाल सम, तो इसको करते हैं सम पे सेलेक्ट। परफेक्ट, तो सम आईजीएसटी रह गया हमारा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके ओके, इसको कर देते हैं, इसको भी करते हैं सम। अब हमारा डेटा पूरा परफेक्ट हो चुका है। अब हमको पता करना है, सपोज मुझे पता करना है कि मेरी अक्टूबर 2019 में कितना मेरा जीएसटी बनता है, कितना मुझे आईजीएसटी पे करना है, कितना एसजीएसटी, कितना सीजीएसटी, सो दैट मैं अपने जीएसटीआर 1 में उसको शो कर सकूं। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा सबसे बड़ा फिल्टर है उस पर मैं लगाऊंगा फिल्टर 1920 का फिल्टर मेरा लग गया। परफेक्ट, ये जो मेरा डेटा शो कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये 1920 का डेटा है। अब इस डेटा में को पहले मैं थोड़ा सा ठीक करते हैं। परफेक्ट, ये मेरा मंथली डेटा आ गया। 1920 में मुझे कौन से मंथ का चाहिए, मैं वहां पे एक फिल्टर लगा लेता हूँ, अक्टूबर मंथ का डेटा चाहिए मेरे को, तो मैंने अक्टूबर पे फिल्टर लगाया एंड ओके। नो अक्टूबर का ये मेरे पास आ गया। आईजीएसटी मुझे अक्टूबर का पे करना है 48360, टैक्सेबल वैल्यू है मेरी 96720, और सम मेरा ये आ रहा है। ये तो सपोज डेटा मेरा जाएगा जीएसटीआर 3B में, डायरेक्टली मैं यहां से उठा के डाल दूंगा। सेकंड थिंग आती है, जब मैं जीएसटीआर 1 फाइल करता हूं तो मुझे उसके जीएसटी नंबर भी चाहिए होता है, उसकी इनवॉइस नंबर भी चाहिए होता है, सारी डिटेल चाहिए होती है, पार्टी का नाम क्या है। तो मैं इसको ओपन करूंगा, मेरे पास पार्टी का नाम भी आ गया, बट द प्रॉब्लम इज मेरे पास जीएसटीएन नंबर भी है मेरी शीट में, बट पाइवट में भी मुझको उसको डालना है। तो एक काम करते हैं, हम पार्टी इनवॉइस से पहले और पार्टी के बाद रो वाले बॉक्स में आप देखो, पार्टी और इनवॉइस के बीच में हम डाल देते हैं जीएसटीएन नंबर, सो दैट जब हम जीएसटीआर 1 फाइल करें डायरेक्टली यहां से डेटा को उठाएं और वहां पे पेस्ट कर दें। तो जीएसटीआर नंबर है हमारे पास, इसको हम डालते हैं पार्टी एंड इनवॉइस के बीच में। परफेक्ट, अक्टूबर मंथ में मैंने दो पार्टीज को सेल करी, परी ट्रेडर, राजेश हौजरी, उनका जीएसटीआर नंबर ये था रिस्पेक्टिवली, एंड किस किस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट, ये इन इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट, ये उनकी वैल्यूज है, ये उनकी टोटल वैल्यू है, ये उनका जीएसटी। परफेक्ट, ये तो मेरा हुआ एक एनालिसिस, जो मैंने कहा जीएसटी का एनालिसिस मैंने किया। अब सारे फिल्टर्स को एक बार हटाते हैं, 1920 का डेटा रखते हैं, 1920 के डेटा को ये भी एनालाइज करते हैं। अब हमको चाहिए मंथली वाइज परसेंटेज सेल, किस मंथ में हमने कितना परसेंट सेल करा, हमको वो चाहिए। करना क्या है, टोटल सेल्स जो है उसको हम दोबारा वैल्यूज वाले कॉलम में लेके जाएंगे, वैल्यूज वाले में आ गया, बट ये दोबारा सम ऑफ टोटल आ गया। हमको सम ऑफ टोटल नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे, शो वैल्यू एज पे जाएंगे। सबसे पहले इसका नाम चेंज करते हैं, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ सेल है, ये है परसेंटेज ऑफ सेल। परफेक्ट, और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल का कितना परसेंट बनता है, एंड देन हम क्लिक करेंगे ओके। परफेक्ट, ये हमारा डेटा है। तो हमारा सबसे ज्यादा हमारी सेल कौन से मंथ में हुई है, अक्टूबर मंथ में सबसे ज्यादा सेल हुई है, और सबसे कम सेल हुई है हमारी ये 6.39% इन द मंथ ऑफ अगस्त मंथ में हमारी सबसे कम सेल हुई है। नाउ अब इसको हम थोड़ा और एनालाइज करते हैं। हमको मंथली वाइज परसेंटेज नहीं चाहिए, हमको परसेंटेज चाहिए, मान लो मैनेजमेंट है या हमारा डायरेक्टर है हमसे बोलता है कि मुझे ये बताओ कि किस पार्टी को मैंने कितनी सेल करी, जिससे कि मैं एनालाइज कर, इस क्लाइंट को प्रायोरिटाइज करना है। तो आप मेरे को बताओ सबसे ज्यादा सेल मैं किसको करता हूँ, सबसे कम सेल मैं किसको करता हूँ। इसी रो वाले कॉलम में हम क्या चेंज करेंगे, अब जो हमने सबसे ऊपर रखा हुआ है वो अभी हमारा मंथ है, क्योंकि हमको मंथ वाइज एनालाइज करना था। अब हमको इस एनालाइज को चेंज करना है और इसको एनालिसिस करना है थ्रू पार्टी नेम के थ्री। तो हम सबसे ऊपर जो पार्टी हमारा सेकेंड नंबर पे है रो वाले बॉक्स में, इसको हम ले आते हैं सबसे ऊपर। अब हमारी सबसे ऊपर आ गई है पार्टी, देन हमारा नीचे मंथ आएगा, देन जीएसटीएन नंबर, एंड लास्ट में आएगा उसका इनवॉइस नंबर। तो हमको जीएसटीएन नंबर और इनवॉइस नंबर की अभी कोई जरूरत है नहीं फिलहाल। ये हमारा 1920 का डेटा आ गया। सबसे ज्यादा हमने किस पार्टी को सेल करा है, राजेश हौजरी करके पार्टी है, 82% हमने सेल इसको करी है। सबसे कम परसेंटेज एक बालाजी गवर्नमेंट करके कोई है, उसको हमने 6.10% सेल करी है। ऐसे हम परसेंटेज एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको तीन तरीके एनालिसिस करके बताए एक ही पाइवट टेबल में। इसी तरह से आप अकॉर्डिंगली योर नीड आप इसको और अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, और अच्छे से डेटा को समराइज कर सकते हो टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट और इन फ्रंट ऑफ डायरेक्टर। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल अबाउट द पाइवट टेबल। होप सो
यू फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग एंड सम इंफॉर्मेटिव इन दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू सो मच.